इसका समय कहाँ है? आइए, एक बंबई वालों ने धुन दी है, आदरणीय जन समुदाय सुनेगा, पहले तर्ज सुनिए उसके बाद मर्ज सुनेगा। आदरणीय भैया माधव भैया तर्ज पर ध्यान दीजिएगा। और क्या बताएं, वाकई में सुनाने में खुद ऐसा लग रहा है कि आप 35 नहीं 40 कर दीजिए तब भी मन नहीं भरेगा कि सुनाने से मन भर जाए हमारा। सुनने वाली ऐसी जनता है। लेकिन आइए, बंबई वाले ने जो तर्ज दी है पहले उसको सुने, उसके बाद मेरी बात। कहते हैं बंबई वाले, अरे मुझको मेरे ये बात सही है। ऐसा जीवन होना चाहिए। आओ कैसा जीवन हो? सच बताए, मेरी सेहत का राज ही मेरा हंसना है। लोग परेशान है, रिंकी तिवारी बहुत हंसती है। सही है। हाँ, एक ही राशि है, तुला राशि, रोशनी रिंकी। आइए, लेकिन भैया रामचरित मानस में लेकर चल रही हूँ आदरणीय चचा, रामचरित मानस ले रही हूँ मैं, उसमें एक चौपाई मिलती है, उस चौपाई को मैं त्रेता और कलयुग दोनों में सार्थक कर रही हूँ। सत्य है निवेदन, एक कीर्तन को सुने आप कैसे कहते हैं। ओ भैया अभी भीषण अपने भाई रावण को समझा रहे हैं, भैया अभी भी मान जाइए, वो जानकी, ये जानकी साधारण नारी नहीं है। अबे मान जाओ, और नहीं माने तो फिर खतरा है। बहना को कुछ ना कहना, जो भी कुछ कहना तो हमको कहना। जब नहीं मानोगे, अगर नहीं मानोगे तो फिर समस्या तुम्हारे लिए पैदा हो जाएगी, इसलिए भैया अभी भी सुधर जाओ। जब कहने लगे तो मेरी पंक्ति सार्थक कर रही है, त्रेता की बात कलयुग में भी मैं सार्थक करके जाऊंगी, और मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और क्या माधव भैया सुनेगा, कहने लगे, अरे मीठा जहर, ये जो पर नारियां होती हैं
भैया ये मीठा जहर यानी स्वीट पॉइजन होती है। अरे मीठा जहर होती पर नारी अपनी नहीं पर नारी क्यों। अरे ये मीठी छुरी होती है लेकिन भैया अरे पूरे उसी से ये काया होती। अरे पूरे उसी से ये काया होती जिनकी इनसे दूरी होती है। इसलिए भैया अभी भी सावधान हो जाइए। अरे सुंदर सुनिए उसकी अरे सुंदर सुनिए उसकी उससे लाइफ होती है। अरे जिसके जीवन में अरे जिसके जीवन में बस एक वाइफ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद है तालियों। ये बात सही है। सच मानिए जिस व्यक्ति ने दो नाव में पैर रखे तो कहीं ना कहीं डूबेगा इसलिए कहीं रखो वो। अरे सुंदर सुनिए उसकी उससे लाइफ होती है। अरे जिसके जीवन में एक वाइफ हो बहन जी। हाँ चलो मानते हैं आपका मैं छोटा भाई हूँ। बिल्कुल मेरे से त्रुटि हो गई चलो मैंने आपसे कहा लेकिन इसका भी एक कारण है बात को मैं नहीं मानूंगा। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। कहा वृक को घटेगा जब प्रभु ने मारी लात। जय जय बहन जी। मैं थोड़ा कहने में तामसी स्वभाव का हूँ कह देता हूँ। आप उधर से अगर दूसरी बात न लाती तो शायद मैं आगे बात नहीं बढ़ाता ना। केवल हमने दूसरी बात जो आप लाई चलो मैंने उस पर कह दिया लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण होता है। जो आप दूसरी बात पर गई तो आप गई कैसे। आप भाभी करने आई अच्छी बात कहती छोटे भाई से कुछ अच्छी कहती छोटा भाई अच्छी ही कहता। आप ये कहती है धर के कलाकार ऐसे ही होते हैं। आप कलाकार मिले होंगे माधव अपनी तरफ से बदतमीजी कोई कह सकता है मैंने अपने गीत में बदतमीजी गाई हो ना। ना गाएंगे शर्मा का शिष्य हूँ राम शर्मा हमारे गुरु कभी नहीं कहते बेटा बदतमीजी करो सामने वालों के सामने। ना 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 और ना मेरे गुरु की किसी ने वीडियो देखी होगी ना कहते नहीं है। मेरे क्षेत्र के सवैया फटका रसिया खूब गाते लेकिन मेरे नहीं मिलेंगे आपको। ना 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 बिल्कुल हम लोग केवल जवाब देते हैं बस कोई बात नहीं अगर मैंने कह दिया है तो उसको आप दिल पर ना लेना छोटा भाई हूँ। लेकिन बात आप ना बढ़ाते तो मैं नहीं बढ़ाता चलो मिट्टी डालते हैं आगे देखिए क्या होता है। डोंट टच इन द हार्ट आइए देखिए मैंने गीत गाया के विष्णु पे विष धर पे विष्णु विष्णु पे विष धर समय क्या करा दे होती किसको खबर। विष्णु यानी भगवान विष्णु एक दिन क्या है कि एक समय उस विषधर पे लेटे हुए हैं तो भगवान विष्णु ऊपर है और विषधर नीचे है। ये ऊपर द सॉन्ग अप एंड डाउन ऊपर नीचे का मामला है। अगले में क्या है कि भगवान कन्हैया ने जब गिरधर को उठा एक बार क्या कि भगवान कन्हैया गाय चरा रहे थे तो गिरधर के ऊपर थे ओहो
गिरिराज पर्वत के ऊपर गाय चराई, एक बार जब उसको उठाया तो वो नीचे हो गए। मेरे गीत में कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे चल रहा है, क्रम बदल रहा है। और मेरे जो लास्ट की लान कहती है दादा, वो कुछ कहती है कि गिरी धर पे गिरी, गिरी धर पे गिरी धर है। हो रही है वहीं पे खत्म हो रही है। गिर पे गिर धर है। लेकिन आपने क्या जवाब दिया है? आप सुनिए। जय हो, जय हो, जय हो। जवाब बहुत बढ़िया आया भाई। मेरे में काफिया लगा हुआ है, वो काफिया सुनिए। लेकिन आप एक बात मैं जरूर कहूंगा, कानपुर के लोग अच्छे गायक हैं, मानता हूँ अच्छी विधा है, लेकिन आप लोग काफिया पर कोई ध्यान नहीं देते हो, काफिया रति पर कोई ध्यान नहीं देते हो। ना ना ना, सुनिए, ये लोग हमारी विधा पे। आपने कहा तिखे बनहारी देखो बो, नाब पे सवार है वो भाबू के खिवैया। बढ़िया बात, अच्छी लाने, बहुत अच्छी लाने। लेकिन अब सुनिए, बने करके भक्त के जो पैर पड़े हैं, बन कर गया नहीं, भक्त के पैर पड़े हैं। मेरी लान कह रही है विष्णु पे विषधर, आपका काफी आता, मेरा काफी है विषधर अधर, तो काफी आपके ये आते। कोई बात, आप ऊपर कह रही है पड़े हैं। और एक अगले जवाब में लेके आएंगे कि जग को इशारे से चलाते स्वयं है, भक्त के इशारे पे चलते स्वयं है। ओहो, ये काफिया का मिलान नहीं, और हमारे यहाँ काफिया पर ध्यान देते हैं। क्षमा, जय हो, जय हो, जय हो बेटा, केवल काफिया ही बचा है बस। ये 100 रुपए विजय चौहान जी की तरफ से आए हैं, और 100 रुपए पुजारी चौहान चौहान साहब की तरफ से इस बच्चे के लिए आशीर्वाद आया है। मैं बार बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए, खैर ज्यादा बात नहीं कहेंगे। ना ना ना, वैसे जवाब बनने के लिए बहुत जगह थी इसमें। जय हो। आइए, उधर से कुछ एक गीत आया था। गीत आया कौन सा? ये नंद किशोर की तरफ से 1 से 1 रुपए हैं, नंगला पाती के रहने वाले हैं, बार बार पुरस्कार मिल रहा है, नंगला पाती के रहने वाले हैं नंद किशोर। आइए, मैं बार बार स्वागत करता हूं भैया आपका। अब देखिए, अच्छा, अरे दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा मुझको, मंदोदरी और रावण की। अब देखिए, तो मंदोदरी कह रही है रावण से, स्वामी मीठा जहर हो ती पर नारी,
ये मीठी छुरी होती है पूरी उसी की काया होती जिनकी उनसे दूरी होती है। अब सुनिए, अरे सुंदर सुनिए उनकी, अरे लाइफ होती है, अरे जिसके जीवन में एक वाइब होती है। अब बताओ हमारे योगी आदित्यनाथ जय हो, अब बताइए, अब बताओ जिनका बिल्डोजर रात दिन चल रहा है, योगी आदित्यनाथ विदाउट वाइफ उनकी सुंदर लाइफ नहीं है ए? बताओ, आइए भैया जवाब सुनिए। माधव भैया एक बात आ रही थी, चादर से ज्यादा पैर फैलाए नहीं जाते। इंसानियत इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। परवाना जी, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। आइए हम लोग कायदे से काम। अब जवाब सुनिए बहन जी, आपने कहा कि जब बहन जी और भाई का रिश्ता है तो ये छोटा भाई आपसे अब हाँ बहन जी ही कहेगा। ओ यू आर माई डियर सिस्टर, हमारे ये संस्कार हमारे गुरु देते हैं। आइए सुनिए, तारड़ तरड़ इस नारी से होगा। अब क्या कह रहा है मंदोदरी, अरे सुन मेरी प्रारण प्यारी, ओ माय डियर वाइफ प्लीज लिसन माय वर्ड, सुन तो ले एक बार। तारड़ तरड़ इस नारी से हो लंका की तारड़ हारी है। अरे जो विद्वान ब्राह्मण है के बस में देवता है, क्या वो ये नहीं जानता कि आदिशक्ति जगदम्बा है, उसके द्वारा मेरा कल्याण होगा। अब सुनिए, लेकिन जवाब सुनिए आप, आपने कुछ अंग्रेजी शब्द लगाए तो सुनिए, सुनिए जवाब। अरे काम तेरे पति का सब ट्रेंड होता है। इंग्लिश का जवाब इंग्लिश से, उर्दू का जवाब उर्दू से। ये माधव का मंडल है, कोई बीड़ी का मंडल नहीं है, धुआं मोड़ा दो। तेरे पति का कोई काम ऐसा नहीं होगा, सुन मेरी प्यारी। हम लोग भाई साहब कायदे से काम करते बस। जवाब अरे ऐसा जीवन में कोई हस्बैंड होता, वाइफ का जवाब हस्बैंड से। अरे ऐसा जीवन में कोई हस्बैंड होता है, ऐसा जीवन में